नमस्कार बच्चों मेरा नाम प्रदीप सिंह भाटिया है और आज हम ग्यारहवीं कक्षा के अर्थशास्त्र का पांचवा अध्याय भारत में मानवीय पूंजी का निर्माण पढ़ेंगे हमने इस अध्याय के पिछले भाग में मानव पूंजी मानव पूंजी निर्माण भौतिक पूंजी आदि के बारे में पढ़ा था तथा यह भी पढ़ा था कि मानव पूंजी का आर्थिक विकास के साथ क्या संबंध होता है और मानव पूंजी निर्माण के कौन कौन से स्रोत होते हैं अगर आपको याद हो तो यह स्रोत थे शिक्षा व्यय स्वास्थ्य व्यय प्रशिक्षण व्यय प्रवास व्यय और सूचना व्यय अब हम इस भाग में भारत में मानव पूंजी निर्माण की स्थिति का अध्ययन करेंगे तथा यह भी देखेंगे कि भारत में इस क्षेत्र में कौन कौन सी समस्याएं हैं तथा भारत ने मानव पूंजी निर्माण में कितनी सफलता प्राप्त की है हम जानते हैं कि मानव पूंजी निर्माण शिक्षा स्वास्थ्य कार्यस्थल प्रशिक्षण प्रवास और सूचना में निवेश का ही परिणाम है परंतु इनमें से शिक्षा और स्वास्थ्य मानव पूंजी निर्माण के दो सबसे महत्वपूर्ण पहलू हैं सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं भारत में विभिन्न क्षेत्र हैं जैसे केंद्र सरकार राज्य सरकार स्थानीय सरकार नगर निगम नगर पालिका ग्राम पंचायत आदि तथा इन सभी क्षेत्रों के दायित्व प्रत्यक्ष रूप से संविधान में स्पष्ट है भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में निजी और सामाजिक लाभों को देखा जाता है और यही कारण है कि बाजार में निजी और सार्वजनिक संस्थाओं का अस्तित्व है और हम यह भी जानते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर व्यय दीर्घकालीन प्रभाव डालते हैं क्योंकि आज शिक्षा और स्वास्थ्य पर जो भी व्यय किया जाएगा उसका धनात्मक प्रभाव ही पड़ेगा परंतु अभी नहीं दीर्घ काल में यही कारण है कि इन क्षेत्रों में सरकारी हस्तक्षेप अनिवार्य है क्योंकि प्रत्येक देश शिक्षा और स्वास्थ्य पर ही निर्भर करता है स्वास्थ्य और शिक्षा किसी भी देश की प्रमुख आधारशिला होती है भारत में शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत संघ और राज्य स्तर पर शिक्षा मंत्रालय तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद विश्वविद्यालय अनुदान और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद आते हैं जबकि स्वास्थ्य क्षेत्र का नियमन संघ एवं राज्य स्तर पर स्वास्थ्य मंत्रालय और विभिन्न संस्थाओं के स्वास्थ्य विभाग एवं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आदि करते हैं विश्व में कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है भारत मानव पूंजी निर्माण की ताकत के कारण बहुत तेज गति से विकसित होगा मैंने आपको पिछले भाग में बताया भी था कि भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है जनसंख्या अधिक होने के कारण भारत में मानव पूंजी अधिक मात्रा में है प्रचुर मात्रा में है यही कारण है कि भारत अन्य सभी देशों से कुछ ही वर्षों में आगे निकल जाएगा भारत एक विकासशील देश है जहां जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग गरीबी रेखा के नीचे रहता है यह वह लोग होते हैं जिन्हें बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल पाती इन्हें शिक्षा और स्वास्थ्य से वंचित रहना पड़ता है जब बुनियादी सुविधाएं ही नहीं मिलेंगी तो शिक्षा और स्वास्थ्य तो बहुत दूर की कौड़ी है इस स्थिति में सरकार इन लोगों को निशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा उपलब्ध कराने पर व्यय करती है कई प्रकार की योजनाएं बनाती है पिछले कई वर्षों में केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारों द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक व्यय किया गया बहुत अधिक प्रगति भी हुई है अब आप शिक्षा का अर्थ समझिए कि शिक्षा है क्या शिक्षा का अभिप्राय ज्ञान को बढ़ाने तथा कुशलता को विकसित करने के लिए अध्यापन प्रशिक्षण तथा सीखने की प्रक्रिया है शिक्षा का महत्व क्या है शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं? शिक्षा के उद्देश्य हैं कि शिक्षा से अच्छे नागरिक बनते हैं शिक्षा से विज्ञान और तकनीक का विकास होता है लोगों के मानसिक मस्तिष्क का विकास होता है देश के सभी क्षेत्रों के प्राकृतिक था मानवीय संसाधनों के उपयोग में शिक्षा सहायक होती है प्रत्येक देश अपनी शिक्षा प्रणाली पर बहुत अधिक ध्यान देता है बहुत अधिक व्यय करता है क्योंकि इस शिक्षा के द्वारा ही एक देश अग्रसर हो सकता है प्रत्येक देश चाहता है कि उस देश में साक्षरता दर पूर्ण हो भारत में अभी साक्षरता दर बढ़ रही है 100 प्रतिशत अभी भी नहीं हुई शिक्षा पर सरकार बहुत अधिक व्यय भी करती है उन्नीस से 2002 के दौरान सरकारी व्यय में शिक्षा पर व्यय सात दशमलव नौ दो प्रतिशत से बढ़कर तेरह दशमलव एक सात प्रतिशत लगभग हो गया है इस प्रकार सकल घरेलू उत्पाद में इसका प्रतिशत बढ़कर चार दशमलव एक आठ हो गया है सरकार घरेलू उत्पाद का केवल चार प्रतिशत भाग ही शिक्षा पर व्यय करती है और यह प्रतिशत बहुत ही कम है आने वाले समय में सरकार को अपने घरेलू उत्पाद का बहुत बड़ा भाग शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर व्यय करना पड़ेगा दिसंबर 2002 में भारत सरकार ने अपने छियासीवे संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया था उन्नीस में भारत सरकार द्वारा नियुक्त तापस मजूमदार समिति यह एक समिति थी जो सरकार द्वारा गठित की गई थी उसने यह अनुमान लगाया था कि देश के छ से चौदह आयु वर्ग के सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा व्यवस्था में शामिल करने के लिए 2007 तक लगभग एक दशमलव तीन लाख करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं आप इसका मतलब समझते हैं कि सरकार कितने बड़े स्तर पर शिक्षा पर व्यय करती है एक पहलू यह भी है कि शिक्षा व्यय का बहुत बड़ा हिस्सा प्राथमिक शिक्षा पर प्राथमिक शिक्षा मतलब प्रारंभिक शिक्षा पर खर्च होता है जबकि उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं अर्थात महाविद्यालय बहुत संस्थानों और विश्वविद्यालयों में यह व्यय बहुत कम है सरकार औसत रूप से उच्चतर शिक्षा पर बहुत कम व्यय करती है परंतु प्रति विद्यार्थी उच्चतर शिक्षा पर व्यय प्राथमिक शिक्षा की तुलना में अधिक है यदि हम कुल व्यय एवं प्रति व्यय देखते हैं तो उसमें बहुत अंतर है अब हम शिक्षा के अन्य क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे जैसे प्राथमिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा उच्च शिक्षा तकनीकी शिक्षा कृषि शिक्षा इत्यादि अब मैं आपको प्राथमिक शिक्षा के बारे में बताता हूं बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया गया था यह नियम 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है वर्ष 2009 में ग्रामीण क्षेत्रों में छियानवे प्रतिशत बच्चों ने विद्यालयों में प्रवेश लिया ग्यारह से चौदह वर्ष की आयु की कुछ ही लड़कियों को विद्यालयों में शिक्षा छोड़नी पड़ी यह आंकड़ा 1951 में बहुत अधिक था कौन सा आंकड़ा विद्यालय में शिक्षा छोड़ने वाले विद्यार्थियों का शिक्षा संबंधी पिछड़ेपन का अगर कोई आज भी प्रमुख कारण है तो वह है सामाजिक एवं आर्थिक निर्धनता लोगों को शिक्षा का ज्ञान ही नहीं है लोगों को आज भी यह नहीं पता कि प्रत्येक मानव के लिए शिक्षा का महत्व क्या है सरकार ने प्राथमिक शिक्षा को विश्वव्यापी बनाने के लिए कई योजनाएं और कार्यक्रम भी आरंभ किए जैसे विद्यालयों में मिड डे मील योजना यह उन्नीस में लागू की गई सर्व शिक्षा अभियान यह सन 2000 में लागू किया गया इसके अंतर्गत सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए अगला कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय यह 2004 में लागू हुआ उन्नीस सौ में प्राथमिक शिक्षा में स्कूलों की संख्या मात्र दो दशमलव दो लाख थी जो कि 2010 में ग्यारह दशमलव नौ शून्य लाख हो गई अब यह आंकड़ा कुछ ही वर्षों में बहुत तेजी के साथ बढ़ा अगला हम पढ़ते हैं माध्यमिक शिक्षा यह प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के मध्य की एक कड़ी होती है यह चौदह वर्ष से अठारह वर्ष की आयु के युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए तैयार करती है उन्नीस सौ में देश में सात दशमलव चार हजार माध्यमिक स्कूल थे जिनमें विद्यार्थियों की संख्या पंद्रह लाख थी परंतु 2007 में माध्यमिक स्कूलों की संख्या बढ़कर एक सौ अड़सठ हजार हो गई तथा विद्यार्थियों की संख्या बढ़कर उनतालीस दशमलव चार लाख पहुंच गई सन 1988 में ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उच्च कोटि की शिक्षा प्रदान करने के लिए नवोदय विद्यालय स्थापित किए गए इन विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए आवास की सुविधाएं भी थी इसके अतिरिक्त जिन कर्मचारियों के तबादले होते हैं उनके बच्चों की सुविधा के लिए सरकार ने केंद्रीय विद्यालय खोले इस प्रकार की कई योजनाएं सरकार द्वारा चलाई गई कई प्रकार के मंत्रालय खोले गए एन टी -E की स्थापना 1981 में हुई थी यह मानव संसाधन विकास के मंत्रालय भारत सरकार के शैक्षिक सलाहकार के रूप में कार्य करता है एन टी -E का मुख्य उद्देश्य विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में नीतियां तथा बड़े कार्यक्रम लागू करने में मंत्रालय को सहायता एवं सलाह देना है यह परिषद स्कूल शिक्षा तथा शिक्षक शिक्षा में शोध का प्रबंध करता है सहायता करता है प्रोत्साहित करता है तथा अभ्यास पुस्तिकाएं विकसित करता है और इन्हें वितरित भी करवाता है दसवीं योजना के अंतर्गत केंद्र द्वारा प्रोत्साहित की गई एक योजना जिसका नाम है विद्यालय में गुणवत्ता सुधार की शुरुआत की गई अर्थात विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार जितना सरकार ला सकती है प्रयत्न कर सकती है करे इसके मुख्य घटक थे विद्यालयों में योग को प्रोत्साहन देना विद्यालयों में विज्ञान शिक्षा का सुधार करना स्कूली शिक्षा का पर्यावरणीय मुखी होना अर्थात स्कूली शिक्षा पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर हो पर्यावरण के बारे में जाने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक विकास हुआ है लगभग 406 विश्वविद्यालय देश में उच्च शिक्षा प्रदान कर रहे हैं सामान्य शिक्षा के लिए देश में कुल संख्या तेरह हजार तीन सौ इक्यासी है उच्च शिक्षा का मार्गदर्शन तथा नियंत्रण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात यूजीसी करता है और यूजीसी की स्थापना 1956 में हुई थी अगला आता है तकनीकी चिकित्सा तथा कृषि संबंधी शिक्षा स्वतंत्रता के पश्चात तकनीकी तथा व्यावसायिक संस्था की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हुई है सन 1951 में डिप्लोमा स्तर की तरतालीस पॉलिटेक्निक संस्थाएं थी केवल तरतालीस और आज इनकी संख्या 1418 हो गई है इसमें प्रतिवर्ष दो दशमलव बारह लाख विद्यार्थी प्रवेश पा सकते हैं इसी प्रकार से मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज की संस्था में वृद्धि हुई है तथा अन्य कई प्रकार के विभिन्न क्षेत्रों में जो अग्रणी है उनके कॉलेज भी खुले हैं देश में कई अनुसंधान केंद्र भी स्थापित करता है जैसे भारतीय तकनीकी संस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला इस प्रकार के कई संस्थान हैं जो केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं तथा इनकी संख्या में लगातार प्रति वर्ष वृद्धि होती जा रही है शिक्षा के क्षेत्र में सरकार द्वारा जो प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं उन्हीं के कारण प्रतिवर्ष साक्षरता दर में भी वृद्धि हो रही है साक्षरता के कारण ही अब समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच का अंतर कम हो रहा है पहले लोग कहते थे कि महिलाओं को नौकरी नहीं करनी चाहिए लड़कियों को पढ़ना नहीं चाहिए परंतु धीरे धीरे जैसे जैसे साक्षरता की दर बढ़ती जा रही है समाज में लोगों की सोच में भी परिवर्तन होता जा रहा है इस प्रकार की समानता लिंग समानता की दिशा में एक सकारात्मक विकास है नारी शिक्षा को भारत में अभी और प्रोत्साहन दिए जाने की आवश्यकता है अभी हमें शत प्रतिशत साक्षरता दर प्राप्त करने के लिए कई ठोस कदम उठाने होंगे भारत में उच्चतर शिक्षा स्तर तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं भारत की शिक्षा प्रणाली एक प्रकार का पिरामिड है जिसका अर्थ यह है कि नीचे की तरफ तो विद्यार्थी बहुत अधिक हैं, परंतु उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या बहुत ही कम है इनमें से कईयों को बेरोजगारी का भी सामना करना पड़ता है अर्थात शैक्षिक बेरोजगारी और शैक्षिक बेरोजगारी का प्रमुख कारण भारत में जनसंख्या का अधिक होना है भारत में शैक्षिक बेरोजगारी एक समस्या है सरकार को ऊंची शिक्षा के लिए अधिक धन का आवंटन करना चाहिए जो सरकार अपनी तरफ से करती भी है तथा उच्च शिक्षा संस्थाओं के स्तर में सुधार भी लाना चाहिए भारत में शिक्षा अभी भी एक चुनौतीपूर्ण समस्या है सभी के लिए शिक्षा यह अभी एक सपना ही है जिसे पूरा करना है और हम सब मिलकर इसे पूरा करेंगे भारत में शिक्षा एवं स्वास्थ्य पूंजी निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है तथा कुछ निजी क्षेत्रों द्वारा अधिक लाभ कमाने के लिए इनका शोषण भी किया जाता है ऐसा नहीं है कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर पूरा सरकार का ही अधिकार है कुछ निजी क्षेत्र भी हैं जो लाभ कमाने के उद्देश्य से इसका संचालन करते हैं उनका उद्देश्य लोक कल्याण नहीं है और यही कारण है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप जरूरी है आज के भाग में हमने पढ़ा कि भारत में मानव पूंजी निर्माण कैसा है भारत ने मानव पूंजी निर्माण में कितनी उपलब्धि प्राप्त की है तथा दूसरी तरफ हमने यह भी पढ़ा कि मानव पूंजी निर्माण की कौन कौन सी समस्याएं हैं जो सरकार तथा विभिन्न क्षेत्रों को सहनी पड़ रही हैं और आने वाले समय में पूंजी निर्माण के लिए मानव पूंजी निर्माण के लिए सरकार कौन कौन से कदम उठा सकती है आशा करता हूं आज की कक्षा में आपको मानव पूंजी निर्माण के बारे में अच्छे से ज्ञात हुआ होगा अपना ध्यान रखिएगा बच्चों नमस्कार